नमस्कार किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। वीडियो आपके काम का है, अगर आप किसान हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी किसान भाइयों को पता होगा किसान आंदोलन के बारे में, जो राकेश टिकैत की अध्यक्षता में सभी किसान संघ के समर्थन से किसान आंदोलन हुआ था। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ यह आंदोलन बहुत बड़ा हो गया था और इस आंदोलन ने पंजाब जैसे बड़े राज्य और कई ऐसे राज्य जिसमें किसानों की नाराजगी की वजह से मोदी सरकार यानी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार यानी शिवराज सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए शिवराज सरकार एक के बाद एक किसानों को सौगात दे रही है। मध्य प्रदेश में नवंबर 2023 में विधानसभा के चुनाव है और शिवराज सरकार किसानों को हल्के में लेने की भूल कभी नहीं करेगी। ऐसी ही सौगात के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। इसका नाम है किसान कर्ज माफी योजना 2023। किसानों की हालत को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों के लगातार बढ़ती आत्महत्या पर रोक लगाया जा सके। देश के बहुत राज्य ऐसे हैं जिसमें सिर्फ कृषि करके लोग अपना जीवन यापन करते हैं, जिससे देश में सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब किसानों की है। इसी हालत को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है और इस निर्णय के बारे में हम आपको बताते हैं डिटेल से। मध्य प्रदेश कर्ज माफी लिस्ट के अंतर्गत केवल किसानों द्वारा उनकी खेती के लिया गया कर्ज ही माफ़ किया जाएगा। किसानों का जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना के तहत 2 लाख तक का कर्ज माफ़ किया जाएगा। मध्य प्रदेश के छोटे एवं सीमांत किसान MP कर्ज माफी लिस्ट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कर्ज माफ़ सिर्फ उन किसानों का ही किया जाएगा जिन्होंने लोन पंजीकरण नेशनल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक के अंतर्गत लिया हुआ हो और इस तरह कुल मिलाकर 41 लाख किसानों ने बैंक से जो कर्ज लिया है, लगभग 56,000 करोड़ का लोन लिया है। इस योजना के अंतर्गत सिर्फ किसानों द्वारा उनकी खेती हेतु कर्ज ही माफ़ किया जाएगा। MP किसान जो कर्ज माफ़ी स्कीम है 2023 के तहत किसानों का 2 लाख रुपये तक का ऋण माफ़ किया जाएगा और इसमें राशि बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी पूरी तरह से अपडेट नहीं आया है। किसान कर्ज माफ़ी योजना 2023 जिसने BJP को मध्य प्रदेश से सत्ता से बाहर कर दिया था। कांग्रेस की पूर्व कमलनाथ सरकार ने किसानों के 2 लाख जो माफ़ करने वाली मास्टर स्ट्रोक घोषणा से चुनाव जीत लिया था, लेकिन कांग्रेस में आपसी फूट की वजह से ना तो सरकार चली ना किसानों के 2 लाख माफ़ हुए। शिवराज सरकार इस योजना को 1 मार्च से फिर से शुरू करने की औपचारिक मौखिक जो घोषणा है नर्मदा जयंती के मौके पर कर चुकी है और 1 मार्च से सभी किसान जो पहले कमलनाथ के समय में कर्ज माफ़ी योजना 2022 में डिफ़ॉल्टर हुए थे, 2022 या 21 जो भी है, उनकी लिस्ट अब बनना शुरू हो गई है। इसमें KCC का ब्याज और सोसाइटी का ब्याज दोनों को मिलाकर सरकार कुछ बड़ा गेम खेलने के मूड में है। यह राशि बढ़ भी सकती है और कुछ इसमें अलग से चेंजेस भी सरकार कर सकती है। पहले मोदी जी की PM किसान सम्मान निधि और शिवराज सरकार की MP किसान कल्याण योजना और फिर किसान परिवार में लाडली बहना योजना की शुरुआत के बाद अब किसानों के परिवार को एक और सौगात शिवराज सरकार देने जा रही है, किसान कर्ज माफ़ी योजना 2023 की शुरुआत करने जा रही है। आप इस वीडियो की सच्चाई के लिए नर्मदा जयंती पर दिए गए शिवराज जी मुख्यमंत्री के वीडियो को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने किसान मित्र के साथ व्हाट्सएप पर इसे शेयर भी कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी की ये जो घोषणा है इसमें अभी 25 लाख किसानों को ये सौगात मिलने जा रही है। लिस्ट अभी 1 मार्च से बनना शुरू हो रही है और आप देख सकते हैं कि UP में जो योगी आदित्यनाथ जी CM है उन्होंने 33,000 किसानों को कर्ज माफ़ी दे दी है। यदि आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।